हेलो फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर शेप्स के बारे में देखेंगे। सबसे पहले हम बेसिक शेप्स लेते हैं। ये जो बेसिक शेप्स होती हैं, यहाँ पर कई प्रकार की शेप दे रखी हैं आपको। जैसे देखिए दिख रहा होगा, यहाँ पर मैंने एक देखिए यहाँ पे हार्ड शेप भी दिया हुआ है। अगर मैं यहाँ पर जाऊँ, दूसरा शेप अगर मुझे लेना है ऊपर, तो यहाँ पर देखिए ये स्माइली फेस भी दिया हुआ है। एक चीज़ मैं बता दूँ, जो स्माइली फेस है इसमें एक रेड पॉइंट आ रहा है। अगर मैं अपना पॉइंटर इस रेड पॉइंट पर ले जाएंगे तो देखिए ये कुछ ये ऐसा ब्लैक कलर का हो जाएगा, ये शेप टूल बन जाएगा और ये इस हंसते हुए को रोता हुआ बना देगा। मतलब हम इसे ऊपर नीचे खिसका सकते हैं। इसी प्रकार से अगर मैं बेसिक शेप्स के बाद बात करूँ एरो शेप्स की, तो मैं एरो शेप्स में जाता हूँ। ऊपर देखिए काफ़ी सारे तरीके के एरोज आ रहे हैं। मैं एक एरो ले लेता हूँ, ये देखिए मैंने एरो ले लिया। एरो लेने के बाद इसको भी जब हम सेलेक्ट करेंगे सिलेक्शन टूल से, देखिए एरो बनाने के बाद हम इसे सेलेक्ट करते हैं। देखिए तो तीन पॉइंट बने आ रहे हैं, एक जो येलो पॉइंट आ रहा है। क्या करेंगे हम इस पर क्लिक करेंगे, पॉइंटर ला के उसे खिसका सकते हैं। ये वाला शेप टूल ले लेंगे, देखिए मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ येलो पे। देखिए ये आगे का पॉइंट जो है इससे चौड़ा हो जा रहा है, और फिर हम इसे चाहें तो छोटा भी कर सकते हैं। अगर ये ब्लू वाले को मैं क्लिक कर रहा हूँ तो देखिए हम इसे पतला कर रखे हैं, नीचे भी ला सकते हैं। तो इस प्रकार से हम इसे चेंज कर सकते हैं। अगर ये रेड की बात करूँ तो रेड देखिए ये नीचे आ जाएगा और ऊपर जाएगा। मतलब जहाँ हम खिसकाएंगे, हर जगह तो नहीं खिसकेगा, लेकिन जहाँ जहाँ उसके लिए जगह दी गई है, बनाई गई है, वहीं पर ये शेप्स दूसरे शेप्स में बदल जाते हैं। ऐसे अब यहाँ से कोई सा भी शेप ले सकते हैं। अगर हम बात करें इसके बाद, तो ये है हमारे पास फ्लो चार्ट शेप। फ्लो चार्ट में आपने देखा होगा कुछ इस प्रकार के शेप्स आ रहे हैं। इसमें हम एक ऐसा शेप बना सकते हैं। अभी कहीं पर भी कोई ब्लू येलो पॉइंट नहीं दिया है, इसका मतलब इसको हम कोई भी चेंजेस नहीं दे सकते हैं। और भी कुछ बना के देख लेते हैं। यहां पर भी कोई चेंजेस नहीं दे सकते हैं। मैं सबको हटा देता हूं, फिर दूसरे चित्र बनाते हैं। अब देखिए यहां पर जो शेप्स आ रहे हैं वो है ये वाले शेप्स, इनका नाम है बैनर शेप्स। हम इस पर क्लिक करेंगे, यहां बहुत सारे बैनर्स के शेप्स आ जाते हैं हमारे सामने। देखिए यहाँ पर मान लीजिए ऐसा वाला मैंने शेप बनाना है कहीं पर, तो हम इसे ले सकते हैं। इसके अलावा जैसे कोई व्यक्ति सोच रहा है तो वो क्या सोच रहा है, उसके लिए कुछ अलग तरीके के शेप्स होते हैं। जैसे मान लीजिए, नहीं ये वाला शेप देख लीजिए, बैनर शेप है, इसमें लिखा होता है बम्पर प्राइस या डिस्काउंट 50%। उसके लिए कुछ इसी प्रकार के शेप्स आपके बने होते हैं, आपने देखा होगा। तो ये शेप भी यहाँ पर है। ये अगर कोई व्यक्ति सोच रहा है तो वो क्या सोच रहा है, उसकी सोच को दर्शाने के लिए कुछ इस प्रकार के टूल्स हमारे कॉमिक्स में भी दिए होते थे पहले। अगर आप और भी जगह देखेंगे तो आज भी होते हैं। तो यहाँ पर वो क्या सोच रहा है वो यहाँ पर लिख के आ जाएगा, या हम जो चाहें वो लिख भी सकते हैं इसके अंदर। बस हमें टेक्स्ट पर क्लिक करना है और इसके अंदर हम लिख भी सकते हैं। आगे जा रहा है तो हम इसे पीछे भी कर सकते हैं, छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। तो ऐसा भी शेप्स ले सकते हैं। तो इसमें बहुत सारे शेप्स हैं जो आप क्लिक करके यहाँ से ले सकते हैं। बस इन्हें सिंपली क्लिक करके आपको बनाना है। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, आपको ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस मैं रोज आपको देता रहूँगा। नाइस मीटिंग यू गाइस।